हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस, तो मैं आपको ये चीज़ शेयर करने से पहले बता दूँ, आप लोग इंटरेस्ट तो लेते नहीं हो व्लॉग में, क्योंकि व्लॉगिंग में करती हूँ, फिर आप लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हो, व्यूज़ नहीं आते हैं। बट मेरा मन हुआ ये शेयर करने का। आज संडे है, संडे की शाम है, तो मेरा मन कर रहा था खीर खाने का, और बच्चे भी खा लेंगे। कभी कभी मन होता है, मीठा बहुत कम खाती हूँ, और ये मत कहना कि हमेशा ज़्यादातर मैं ये सूट पहनती हूँ। क्यों पहनती हूँ? क्योंकि ये बहुत कंफर्टेबल है, बहुत हल्का है और ढीला ढाला सा है, तो गर्मियों में अच्छा लगता है मुझे, मतलब एकदम लूज़ लूज़ कपड़े पहनना। तो यहाँ पे मैंने खीर बना रही हूँ, मेरा मन कर रहा है खीर खाने का। और आलू टमाटर की जो सब्ज़ी होती है ना, वो मैंने बना दी है, मतलब जो भंडारी टाइप की होती है ना, वो मैंने बना दी है। अभी यहाँ पर कढ़ाई में तेल गर्म हो रहा है, मैं बनाऊँगी पूड़ियाँ। तो ये रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आटा मैंने गूंध लिया है, ये रहा, देखते तो आप हो नहीं, लेकिन मैं तो अपना काम करूंगी फिर भी। अगर दो जने भी तीन जने भी देखते हैं, मेरे लिए बहुत है, इनफ है मेरे लिए। पसीने आ रहे हैं क्योंकि मैंने गेट वेट दिया है, क्योंकि मैं यहाँ पर अपने घर में जब मैं व्लॉगिंग करती हूँ ना, मुझे बहुत शर्म आती है व्लॉगिंग करने में, कि यार सब लोग देखेंगे क्या बोलेंगे। मैं इसको किसी के सामने होता भी नहीं है, तो कम्फर्टेबल भी नहीं रहती हूँ मैं करने के लिए। तो चलो पहले किचन का काम कर लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलती हूँ मैं, ठीक है? और फ्रेंड, किस किस को मेरी तरह क्रेविंग होती है कि कुछ मीठा खा लें? कभी कभी होती है, मेरे को मीठा बहुत कम पसंद है वैसे तो, लेकिन जब मैं सब्जी पूड़ी बनाई दी थी, तो मैंने सोचा चलो आज खीर भी बना लेते हैं और देखते हैं कैसी बनती है। फिलहाल तो मेरी गर्मा गर्म पूड़ियाँ बन गई है, बना लेती हूँ मैं, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो फ्रेंड्स देखो, रेडी है मेरी थाली, मैं ऊपर बच्चों को देने के लिए जा रही हूँ। गर्मा गर्म खीर, आलू की सब्जी पूड़ी, तो कैसी लगी जरूर बताना। ऊपर चलते हैं, बच्चों को देकर आते हैं। तो फ्रेंड्स, खा पी के मैं बैठ गई हूँ आराम से, और इससे पहले भी जो मैंने क्लिप मतलब खाने की और बनाई थी, पता नहीं वो कैमरा ऑन था या नहीं था, मुझे नहीं पता। मुझे लग रहा है शायद कैमरा ऑन ही नहीं था, वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो मैंने इवनिंग का अपना छोटा सा रूटीन आप लोगों के साथ शेयर किया कि कैसे कैसे रहता है, कैसे कैसे नहीं रहता है। और आज एक चीज़ और बता दूँ, जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था ना, यूट्यूब का चैनल जब मैंने स्टार्ट किया था, तो ना ही मैं किसी अपनी फैमिली मेम्बर्स को बताती थी, ना ही मैं व्हाट्सअप पे कभी भी मैंने शेयर किया है, ना ही मैंने कभी फेसबुक पे शेयर किया है। मैंने कभी शेयर ही नहीं किया। क्यों नहीं शेयर किया? क्योंकि मेरे को स्टार्टिंग में ये लगता था कि यार इस चीज़ को सब लोग बेवकूफ़ी बोलेंगे कि क्या ये फालतू की चीज़ें कर रही है, और मतलब अगर कुछ नहीं हो पाया तो मैं एक हंसी का पात्र बन के ना रह जाऊँ, लोग मुझ पर हंसेंगे कि कुछ तो हो नहीं सकता यूट्यूब पे, और यूट्यूब चैनल बना लिया है तो। बट अभी तो मैं ये बताऊँ, अभी मैं अपना वीडियो बनाना इन्जॉय करती हूँ। पहले मैं स्टार्टिंग में, सच बताऊँ, स्टार्टिंग में मेरा मेन मोटिव यही था कि यूट्यूब पे चैनल बनाएंगे और लाखों कमाएंगे, ये मेरा मेन मोटिव था। बट अभी जो है ना, अभी मेरे को ऐसा लगता है कि मैं इन्जॉय करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है वीडियोज़ बनाना, और मेरे को अच्छा लगता है शेयर करना। अगर मैं एक दिन वीडियो नहीं बनाती हूँ तो मुझे कुछ अधूरा अधूरापन लगता है कि आज मैंने कुछ नहीं किया। आपकी मेरे, मैं ये बताती हूँ, मतलब जो मैं YouTube का जो जितना भी एक्सपीरियंस हुआ है मीन दो सालों का, ऐसा नहीं है कि मैंने हमेशा ही कंटिन्यू करा है, मैंने बीच में गैप दे दिया है फिर कंटिन्यू करा है, बीच में गैप दे दिया फिर कंटिन्यू करा है। तो मैं एकदम प्रॉपर तरीके से YouTube पे कंटिन्यू नहीं कर पाई हूँ। बट मैं एक बात बताती हूँ, जिनके 200-300 के सब्सक्राइबर हैं ना, उनके भी 10K आते हैं, मतलब हर कोई नहीं करता। और मेरे तो प्लस 1K प्लस हैं, मतलब 1500 से अबव है मेरे। हाँ,
तो 1500 कुछ भी नहीं होते हैं, कुछ भी नहीं होते हैं, तो उसके हिसाब से व्यूज़ भी नहीं आएंगे। बट मैं मेरे अंदर ना एक आस, एक उम्मीद हमेशा रहती है। मैं किसी को शेयर नहीं करना चाहती, किसी को बताना नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ यूट्यूब से ही मेरी कोई वीडियो वायरल हो और उस तभी मेरे वीडियोस, मतलब लोग इंटरेस्ट से देखें, किसी को ज़बरदस्ती ना दिखाऊं मैं, लोग मेरी इंटरेस्ट से वीडियो देखें, मैं ये चाहती हूँ। तो ये मेरी थिंकिंग है। और लाइफ में बस मैंने कितनी बार आप लोगों को बताया कि मैं बहुत कुछ करना भी चाहती हूँ। मेरे चैनल तो दो हैं, जो एक तो अच्छा खासे उसके पास फॉलो सब्सक्राइबर हैं, वो मोनेटाइज भी है, अर्निंग भी हो ही जाएगी, ठीक है, हो जाएगी या हो गई है। इसके लिए मैं एक अलग से व्लॉग बना दूंगी। तो इस व्लॉग का एंड करती हूँ मैं यहीं पे, छोटू से अपने व्लॉग का। आज अपने दिल की बात आप लोगों के साथ शेयर की है, और जो भी मेरे, मतलब अगर दो या चार लोग भी मेरे को देखना चाहते हैं ना, मुझे दिल से चाहते हैं, मेरी वीडियो को देखना चाहते हैं ना, तो कमेंट में ज़रूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज़ से रिलेटेड चाहिए। मुझसे रिलेटेड बताना किस चीज़ से रिलेटेड चाहिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो वही बनाऊंगी। तो थैंक यू सो मच। और प्लीज़ एक चीज़ और रिक्वेस्ट करूंगी आप लोगों को, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत से लोग बोलते हैं सब्सक्राइब मतलब हमें समझ में नहीं आता, तो जो मेरे नाम के नीचे एक रेड कलर का बटन होता है ना, घंटे टाइप का होता है, उसको बस प्रेस कर देना, मतलब उसको क्लिक कर देना, और फिर जब ऑल आए ना, ऑल पे क्लिक कर देना, तो ये हो जाता है सब्सक्राइब। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, बाय बाय।